ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, अगेन अगर आपको एक स्क्वायर गिवन हो, लेट अस सपोज ये स्क्वायर है, ये ए साइड है स्क्वायर की, और ठीक है, और ये मास एम है, ये मास एम है, आपको इसके सेंटर के ऊपर नेट ई की वैल्यू बतानी है क्या होगी, आपको इसके सेंटर पे नेट ई बताना है क्या होगा। पहले मुझे एक बात बताओ, अगर जहां ई निकालना है वहां पर मास रिक्वायर्ड है, नहीं, वहां पर क्या एज्यूम कर लें, वन, तो आप अपने मन में एज्यूम कर लें ये वन है, आंसर क्या है, जीरो। अरे फोर्स और फील्ड में फर्क कहाँ है, एक मास का ही तो फर्क है, वो भी उड़ाना ही तो है, तो ऐसे सेम रूल है कि ये मास इस वन को यहां अट्रैक्ट करेगा। अब जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी डायरेक्शन में ई भी एक्ट करेगा, तो ई भी इस तरफ अट्रैक्टिव है और ये ई इस तरफ अट्रैक्टिव है, ये ई इस तरफ अट्रैक्टिव है और ये ई भी इस तरफ अट्रैक्टिव है, तो ये आपस में क्या कर जाएंगे, कैंसल, और नेट ई की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, जीरो। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि नेट ई की वैल्यू यहां पर जीरो आएगी, राइट, क्लियर है। मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कॉन्सेप्ट आपने किस पे लगाया, फोर्स पे, वही कॉन्सेप्ट आपने ई पे लगा देना है। ये क्वेश्चन करके दिखाओ ई का जो मैं भी दे रहा हूं, ये लो, ये आपके पास एक मास है एम, ये मास है एम, ये ए और ये ए। मेरा क्वेश्चन है कि सपोज ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू आर है, आर है, आपको मुझे ई की वैल्यू बतानी है, नेट ई की वैल्यू बतानी है क्या होगी इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर नेट ई बोलो क्या होगा, इसे ट्राई करो। रूल वही लगाओ, जहां ई निकालना है वन, एम अट्रैक्ट करेगा, एम अट्रैक्ट करेगा, और फिर देखो क्या करना है इसमें। लग सकती है, लगेगी, एंगल तो एज्यूम ही करना पड़ेगा ना। आंसर उसका नहीं आंसर आएगा, वो तो थीटा निकालना पड़ेगा उसमें। थीटा क्या लिया, नहीं देखो क्या रूल लगाएंगे, पहले ये देखो रूल ये लगाएंगे, ये देखो आगे देखो, तो ये मास जहां पे ई निकालना है वहां मास क्या लेना है, वन, जहां ई निकालना है वहां मास क्या लेना है, वन। ये मास इसके ऊपर ई लगाएगा और ई की डायरेक्शन कैसी होगी, देखो ना, ये मास अपनी तरफ इसे अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर है तो ई की डायरेक्शन भी इधर है, स्ट्रेट स्केल के साथ, है ना, स्केल के साथ बिल्कुल सीधी लाइन खींचो, अट्रैक्टिव है, और उसी तरीके से यहां पर भी ई की डायरेक्शन कहां पर है, इस तरफ है, तो ये लो, ये आ गया। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, क्योंकि फोर्स अट्रैक्टिव है तो ई की वैल्यू भी अट्रैक्टिव है, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। अब इस क्वेश्चन के अंदर चाहो तो ज्वाइन भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लो दिखा भी देता हूं, ये देखो एक जस्ट कि ये डायरेक्शन ऐसी रहेगी। अब इसके अंदर क्या करना है आपको, ई के दो वेक्टर्स हैं, आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है, और हाँ ई की वैल्यू भी बोल दो, क्या है ई की वैल्यू, क्या है, जी एम डिवाइडेड बाई क्या, हाँ, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये पाइथागोरस लगा के आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो m मास ने इतने डिस्टेंस पे ये e लगाया, तो e की वैल्यू दोनों तरफ से सेम आएगी, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट है, अब इसमें यहां पे ये जो एंगल है वो एज्यूम कर लेना कितना है, थीटा है, और ये एंगल कितना है, थीटा है, देखो थीटा गिवन तो है नहीं है, तो थीटा और थीटा, इसके अंदर एक लाइन खींच लेनी है, लाइन इज एक्स एक्सिस की तरह एक लाइन खींच लें यहां पे। अब आप क्या करेंगे, ये अगर थीट है तो अल्टरनेट एंगल से ये भी थीट है, और अगर ये थीट है तो ये भी एंगल थीट है, हाँ होल स्क्वायर भी होगा, राइट, होल स्क्वायर भी है, जी एम बाई आर स्क्वायर, राइट, ठीक है, ठीक है यहां तक। तो आपने इसमें थीटा और थीटा एज्यूम कर लेना है, कोई 90 नहीं, कोई 45 नहीं, कोई 60 नहीं, कोई अजम्पशन नहीं,
तुम्हें क्या पता, ट्रिग्नोमेट्री तो आती है, आर और डी के साथ एंगल क्या बनेगा हमें तो पता नहीं है, तो कोई बात नहीं, इनका वेक्टर सम लेना है। वेक्टर सम लेने के दो तरीके होते हैं, या तो पैरेललोग्राम लगाओ या फिर रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर करो। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में इस ई वेक्टर के दो कॉम्पोनेंट्स हैं, पहला कॉम्पोनेंट तो ये रहा और दूसरा कॉम्पोनेंट ये रहा। पहला कॉम्पोनेंट कितना है, अगर ये ई है ये थीटा है तो ई कॉस थीटा, और ये वैल्यू क्या है, ई साइन थीटा, ई कॉस थीटा ई साइन थीटा। उसी तरीके से यहां पर इस ई के भी कॉम्पोनेंट है, एक इस तरफ और दूसरा कॉम्पोनेंट इस तरफ ही होगा, जिसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ई कॉस थीटा, और ये वैल्यू क्या होगी, ई साइन थीटा। ई कॉस थीटा और ई कॉस थीटा वेक्टर आपस में कैंसल हो गए क्योंकि वैल्यूज बराबर है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, और नेट ई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, टू ई साइन थीटा। तो ई नेट विल बी इक्वल टू टू इंटू ई का मतलब जी एम बाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इंटू साइन थीटा। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा बोलो क्या होगा, आर अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। तो तुम यहां से किसी भी ट्राइंगल से साइन थीटा तो निकाल ही सकते हो। तो आंसर क्या आएगा, नेट ई की वैल्यू आएगी टू जी एम आर, ये कट गया, डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 इज द आंसर। ये आंसर है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक, तो इंपॉर्टेंट ये है कि जो ई की प्रॉब्लम है वो भी बिना वेक्टर के सॉल्व कर मत देना, आपका आंसर पक्का गलत आएगा। एफ और ई में वेक्टर्स बनाने ही पड़ेंगे और वेक्टर सम लेना पड़ेगा। इसका अगला पार्ट भी है, हो सकता है किसी कंपटीशन की बुक में गिवन भी हो, मुझे याद आया एकदम कि ये ई नेट आ गया। वो ये भी पूछ सकता है कि आप मुझे अब आर की वैल्यू बताओ, आप मुझे आर की वैल्यू बताओ कि मैं कहाँ रखूँ इस पॉइंट ऑब्जेक्ट को, या मैं ई कहाँ निकालूँ, मैं ई कहाँ निकालूँ ताकि मेरा ई मैक्सिमम आ जाए। अगला स्टेप बता दो क्या करूँ। वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये कह सकता है कि आप मुझे आर बताओ अगला पार्ट कि मेरी नेट ई की वैल्यू अब क्या आ जाए। अब ये तो पता नहीं ना कि मैक्सिमम है कि नहीं, ये तो किसी भी इंस्टेंट आर के ऊपर वैल्यू है। अगला स्टेप क्या है, क्या करूँ ना, डिफ्रेंशिएट इक्वल टू जीरो, मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक स्टार्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये नेट ई की वैल्यू लेनी है और डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल आर करना है क्योंकि वो आपको निकालना है दिस अ वेरिएबल, और इक्वल टू क्या कर देना है, जीरो। तो यहां से अगर आप इसको करें, आप अपना होमवर्क नोट कर लें, कर सकते हैं, मतलब मेरे मन में क्वेश्चन आया ऐसे ही तो इसलिए मैंने लिखवाया, वैसे आएगा नहीं आएगा मुझे मालूम नहीं है। तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 को उठा के जीरो कर देना, जीरो से टू जी एम सब कॉन्स्टेंट कट जाएंगे, तो आपके पास बचेगा डी बाई डी आर ऑफ स्मॉल आर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 इक्वल टू जीरो। अब यू बाई वी का फॉर्मूला सबको आता है, ये यू और ये वी, तो फिर यू बाई वी से सॉल्व करके अपने आप आ आएगा, वो आंसर होगा, ऐसा आ सकता है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है? ठीक है, ऑप्शनल है, मतलब क्यों याद आया, मतलब मैंने ग्रेविटेशन में मुझे पता नहीं, प्लस टू के अंदर हम एक चैप्टर करेंगे, प्लस टू की बिल्कुल स्टार्टिंग में चैप्टर है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। आप मेरी प्लस टू की रिकॉर्डिंग सुन लो अभी जाके आज से ही, तुम्हें पूरी प्लस टू समझ में आएगी क्योंकि यही है प्लस टू। बस मैं कुछ नहीं कहने वाला, सेम क्वेश्चन आने वाले हैं, उसमें मास की जगह बोल दूंगा देखा प्लस वन में चार्ज की चार्ज रिप्लेस कर दूंगा और बोलूंगा देखा हमने प्लस वन में किया था ये सब कुछ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल, यही कुछ है उसमें। तो मतलब सेम पैटर्न पे चलता है ग्रेविटेशनल फील्ड और सेम पैटर्न पे चलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वहां से आंसर याद आया, वो चार्ज को मैक्सिमाइज करता है, तो मुझे याद आया कि यहां पर ऐसा क्वेश्चन भी तैयार हो सकता है। ठीक है, तो आई होप निकल जाएगा आंसर। ठीक है, अगली प्रॉब्लम देखो ई की, बोलो
सेंटर से, सेंटर से दिया हुआ है आर, सेंटर से गिवन है वो सेंटर से। तो नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर मान लो आपको एक रिंग गिवन है, वैसे देखो हम पॉइंट मासेस पे काम कर रहे हैं, मैं वैसे ही पूछना चाहता हूँ कि अगर मान लो आपके पास एक रिंग है और रिंग के अंदर जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि इसके सेंटर के ऊपर E की वैल्यू क्या आएगी? रिंग के सेंटर पे E क्या आएगा? जीरो, 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 जीरो। आंसर बिल्कुल ठीक, जीरो है। ऐसा क्यों? हाँ, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो होगा क्या इसमें, इसके अंदर आप अगर छोटा सा मास लें डीएम, तो ये डीएम इसे अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, क्योंकि यहां पर तो मुझे मास चाहिए नहीं, वो तो मेरा वन के साथ ही काम चलता है, तो ये इसे अट्रैक्ट करेगा तो ई लगाएगा, बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट सेम मास पड़ा होगा जो इसके ऊपर ई लगाएगा और ये दो वेक्टर आपस में कैंसिल। तो तुम डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड लेते जाओ और ई से ई क्या करते जाओ, कैंसिल, तो नेट ई की वैल्यू रिंग के सेंटर पे जीरो आएगी, लिख लेना रिंग के सेंटर में नेट ई जीरो है। ठीक, सेंटर पे ई जीरो है। क्वेश्चन ये पूछेगा, मान लो आपके पास एक रिंग है जिसमें मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रिंग का जो रेडियस है, रिंग का रेडियस कैपिटल आर है, कैपिटल आर है, इस रिंग के अंदर, इस रिंग के अंदर स्मॉल मास डीएम को मैंने काट दिया और फेंक दिया, इसके अंदर स्मॉल मास, ये लो, इसके अंदर स्मॉल मास डीएम को कट करके मैंने फेंक दिया, बची हुई रिंग ने ई कितना लगाया, यहां पे बची हुई रिंग ने रिमेनिंग पोर्शन में ई कितना लगाया, ये क्वेश्चन है। हाँ, बोलो कितना, जी डी एम बाय आर स्क्वायर, डी एम बाय, जी डी एम बाय आर स्क्वायर, जी डी एम बाय आर स्क्वायर, जी डी एम बाय आर स्क्वायर, सही बोल रहे हैं, जी डी एम बाय आर स्क्वायर, यस कि नो? कुछ लोग कन्विंस नहीं है, कैसे, मुझे लग रहा है सही बोल रहा है, देखो सही बोल रहा है, कैसे, देखो सबसे पहले पॉइंट को समझो, अगर आप स्मॉल एलिमेंट यहां लेते हैं और डायमेट्रिकली ऑपोजिट यहां लेते हैं तो ये से अट्रैक्ट करेगा और ये से अट्रैक्ट करेगा और आपस में क्या हो जाएगी, कैंसिलेशन। तुम कोई भी दो एलिमेंट ले लो, एक ये ले लो और एक ये ले लो, इसकी वजह से कैंसिल। लेकिन जब इसके मुकाबले ये लेना पड़ेगा, ये तो उड़ा के फेंका नहीं हमने, ये तो एग्जिस्ट करता है, और अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये अपना ई यहां लगाएगा, इसे अट्रैक्ट करेगा ऑब्वियसली,
तो ये अट्रैक्ट करेगा कितनी वैल्यू के साथ जी, इसका मास भी सेम होगा डीएम, जी डीएम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर से अट्रैक्शन होगी, पर ये तो कुछ कर ही नहीं पाएगा क्योंकि इसको उठा के तो हमने काट के फेंक ही दिया। अब हर रिंग का एलिमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, सिर्फ एक एक एलिमेंट कैंसिल नहीं कर रहा और वो ये है, तो फिर आंसर क्या होगा, जी डीएम बाय आर स्क्वायर। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहां तक, क्योंकि इसको कैंसिल करने वाला ये वाला वेक्टर तो अब चला गया है ना, अगर ये होता तो यहां पे एक वेक्टर ड्रॉ करते अट्रैक्टिव का, पर ये तो चला गया तो फिर इसको कैंसिल करने वाला कोई नहीं है, बस यही एलिमेंट इसे अट्रैक्ट करेगा, जी डीएम बाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने क्या करना है, सपोज ये एक ट्राइंगल, ये रहा, या चलो ये क्वेश्चन फोर्स में किया हुआ, ये करो, सपोज करो आपके पास ये रहा मास m1, ये रहा मास m2, ये डिस्टेंस है a और ये डिस्टेंस है a, और सपोज ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है जहां पर मुझे नेट e की वैल्यू निकालनी है, क्या है राइट, नेट e निकालना है, और ये जो पॉइंट है ये सेंटर से कितनी दूरी पे है, ये सेंटर से r दूरी पे है, मुझे e निकालना है, क्या होगा ये, और उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, राइट की लेफ्ट ऊपर नीचे कहाँ होगी, ओ बहुत जल्दी कैसे, मुझे लग राइट तो नहीं होगी, मुझे लगता है होगी लेफ्ट, लग रही है लेफ्ट, सोच लो, अच्छा पहले वैल्यू बना लो, जहां ई निकालना है वहां क्या लेंगे वन, ठीक है ये पॉइंट क्लियर है, जहां ई निकालना है वन क्लियर है। अब ये बताओ इसके अंदर M2 इस वन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, ठीक है ये अट्रैक्ट करेगा, E की वैल्यू क्या होगी, G इंटू M2 डिवाइडेड बाय, मुझे बताओ कि इसमें और इसमें डिस्टेंस कितना है, अगर ये R है ये A है तो R माइनस A का होल स्क्वायर, सही है, डिस्टेंस तो ये बनेगा और फोर्स अट्रैक्टिव होगी, क्लियर है, ठीक है। ये मास M1 भी इसे क्या करेगा, वन पे E लगाएगा, पड़ोस के दोनों मासेस E लगाएंगे तो ये भी इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये जो अट्रैक्ट करेगा वो भी इसी तरफ करेगा जिसकी वैल्यू क्या होगी E1, और E1 की वैल्यू क्या होगी, G M1 by R plus A का होल स्क्वायर, R plus A, तो नेट E की वैल्यू क्या होगी, E1 plus E2, वैल्यू पुट कर लेना दोनों में और टूवर्ड्स क्या आएगी, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि ई की, ई के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। ठीक है यहां तक,